ओके हेलो मैसी वेलकम बैक टू माय चैनल तो देखिए ना आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर आने वाला है इसके अंदर हमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन लेने वाला है इज माइकलस इक्वेशन ओके अब ये इक्वेशन देखो इसमें आपको पता है क्या करना होगा एक डेरिवेशन देना होगा लंपी से इक्वेशन बनानी होगी उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना होगा लेकिन बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है मैं आपको इसे बहुत आसानी से समझाने वाली हूँ आप एक दो तो बारी में पूरी चीजों को क्लियर कर लेंगे ओके okay? लेकिन कैसे करेंगे तो देखो उसके लिए हमको लेक्चर स्टार्ट करना होगा तो हम बात कर रहे थे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की

फोर्टीन लेक्चर से पहले एंजाइम के बारे में पढ़ा एंजाइम की एक्टिविटीज वगैरह पढ़ी लेकिन अब हम लोग ने फोर्टीन लेक्चर से क्या स्टार्ट किया पर्टिकुलरली एंजाइम कैनेटिक्स से स्टार्ट किया अब एंजाइम कानेटिक्स बताता किसके बारे में है क्योंकि देखो ये जो मॉडल हम पढ़ने वाले हैं ये सब एंजाइम कैनेटिक्स के अंदर आएंगे तो मैंने लास्ट लेक्चर पर भी बताया था एंजाइम कैनेटिक्स कुछ नहीं करता है एंजाइम कैनेटिक्स में आप स्टडी करते हैं किसकी स्टडी करते हैं आपकी एंजाइम कैटेलिटिक रिएक्शन की स्टडी करते हैं मतलब ये आपको बोलता है कि सपोज आपकी कोई रिएक्शन चल रही थी और उस रिएक्शन के अंदर आपने किसको इंट्रोड्यूस कर, कि कर दिया अब कैसे रेट बढ़ रही है कितनी रेट बढ़ रही है ये सारी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं एंजाइम के अंदर करते हैं सिंपल सी बात है अब एंजाइम का तो पूरी हेडिंग हो गई अब इसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है ये भी सुन लीजिए तीन टॉपिक

लेकिन ये रिएक्शन नॉर्मली प्रोसीड नहीं हो रही यहाँ पे आपने एंजाइम को एज अ कैटलिस्ट लिया है तो यहाँ पे रिएक्शन थोड़ी अलग तरीके से प्रोसीड होगी अब मैंने पहले भी बताया आगे भी बताऊंगी बट यहाँ पे क्या होता है हमको पता है एंजाइम का सिर्फ इकलौता काम ये है कि ये रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा लेकिन जैसे ही रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है तो ये जो रिएक्शन का रेट है ना ये दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है जैसे आपने एंजाइम को प्रोसीड कराने के लिए वहां पर पीएच कैसा लिया है क्योंकि आपको पता है एंजाइम तो स्पेसिफिक होते हैं भाई ये क्या एक पर्टिकुलर पीएच पे एक्ट करेंगे जैसे हमारे हमारी कुछ एंजाइम होते हैं, sorry, enzymes होते हैं, कर, होते हैं तो वही चीज होता है कि हमारा जो पीएच है कितना एंजाइम का कितना, concentration है, enzyme का कितना concentration है ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो तो की आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को और रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं इन्हीं फैक्टर्स को हमने डिस्कशन में लेना होता है हमारे एंजाइम कैनेटिक्स के पहले टॉपिक के अंदर जो की काफी इंपॉर्टेंट है

अगर तो किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है तो रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर वो रिएक्शन को कैसे एक्सिलेट कर रहा है रेट को कैसे चेंज कर रहा है इसको डिफाइन करने के लिए आपके अलग अलग केमिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए समझ में आया अब इन मॉडल्स में से दो मॉडल आपको पढ़ना है तो पहला मॉडल आपका क्या है पहला मॉडल है आपका माइकलिस मेंटन इक्वेशन अब देखो इसमें भी सर कुछ नहीं करनी है आपको पता है यहाँ पे नाम से दिख रहा है ये क्या है एक इक्वेशन तो इस मॉडल के अंदर आपने क्या बनानी है इक्वेशन डिराइव करनी है अब ये इक्वेशन किसकी होगी ऑब्वियस सी बात है ये इक्वेशन होगी रेट की क्या होगा देखो आप यहाँ पे क्या बताएंगे भी ऊपर से बोल रही हो कि आप यहाँ पे दिखाएंगे आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेड मॉलिक्यूल है आपका एस यानी कि सबस्ट्रेट और ये रिएक्शन आप इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंजाइम कर कर रहे हैं पर एज अ की तरह बिहेव रहा है अब एंजाइम की प्रेजेंस होकर ये रिएक्शन थोड़ी अलग तरीके से प्रोसीड करेगी अब कैसे करेगी उसे नीचे बताऊंगी बट देखो सपोज ये रिएक्शन आगे चले ठीक है अब इस रिएक्शन के रेट में चेंज आया होगा बिकॉज हमने रिएक्शन कंडीशन में एंजाइम लिया है तो इस पूरी रिएक्शन हम पूरी रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर हमारी जो ये पूरी रिएक्शन है

उसी इक्वेशन को हम उठाएंगे और कहा ले जाएंगे इस वाले यूनिट पर मतलब इस वाले लेक्चर पर ले जाएंगे और उसी इक्वेशन के थ्रू क्या एक प्लॉट बनाएंगे ठीक है जो कि किसने बनाया था लाइन वेवर आपके केमिस्ट रहे होंगे और दूसरे थे बर्ग इन दोनों ने कंबाइंडली क्या है आपके माइकलिस एंड मेंटन की जो इक्वेशन आई थी इस इक्वेशन के थ्रू एक प्लॉट बनाया था उसी प्लॉट को हम लोग क्या बोलते हैं लाइन वेव वर्क प्लॉट ओके तो यहाँ पे आपने ग्राफ यानी कि एक प्लॉट बनाना है जो कि स्ट्रेट लाइन से लिया गया वो हम आगे बात करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करता है वो हम आगे बात करेंगे बट होप आपको क्लियर आ गया होगा कि हम पढ़ क्या रहे वो चीज समझने ज्यादा जल्दी ज्यादा जरूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हम क्या पढ़ रहे हैं मॉडल जो कि, कि किसको बता रहे हैं एंजाइम की काइनेटिक्स को ओके okay? अब पहले मॉडल पर मैं आपको लेके चलती हूँ तो पहला क्या है मेंटल इक्वेशन अभी क्या बोलती है सुनेगा तो देखो अब हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर यानी कि आप प्रॉपरली देख लेते हैं कि ये इक्वेशन कैसे डिराइव होने वाली है इसके लिए डेरिवेशन आप कैसे डिराइव करेंगे तो देखो फर्स्टली अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है तो आप इसमें दो पॉइंट अपनी थ्योरी के भी एड कर लेना पहला पॉइंट थ्योरी का क्या है ये बोल रहा है इन्वेंशन यानी कि ये जो इक्वेशन है ये किसने डिराइव की थी फर्स्ट टाइम इसको आपने बताना है तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे पास दो केमिस्ट्री होंगे पहले थे माइकल दूसरे थे आपके मेंटेन इन्होंने 1913 में ये इक्वेशन डिराइव की थी ओके अब इस रिएक्शन का इस इक्वेशन का आपका बेस क्या है इसका बेसिक क्या है तो हमने जैसे देख लिया कि ये जो इक्वेशन है वो एंजाइम की कार्नेटिक्स को डिफाइन करने के लिए बनी हुई है ये जो मॉडल है एक टाइप का ये एंजाइम की कारनेटिक्स को बताता है कि कैसे आपका जो एंजाइम है वो जब किसी रिएक्शन में इंट्रोड्यूस होता है तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रही है कैसे बढ़ रही है घट रही है इसको बताया गया था बाय दिस मॉडल ओके तो बेसिक में आपने यही चीज एड करनी है ओके okay? तो ये पॉइंट आप थ्योरी की एड करेंगे उसके बाद आप प्रॉपर चढ़ेंगे अपने डेरिवेशन पे ठीक है अब डेरिवेशन आपको क्या बोल रहा है सुनिएगा अब जब भी आप इस इक्वेशन के लिए डेरिवेशन बनाएंगे तो सबसे पहले आपने रिएक्शन बनानी होगी किस रिएक्शन के लिए आप डेरिवेशन बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन तो मतलब रिएक्शन ठीक है अब रिएक्शन में सबको पता है हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं रिएक्शन करानी है तो सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चाहिएगा और आपको पता है एंजाइम वाले केस में हम रिएक्टिव मॉलिक्यूल को आर से नहीं एस से इंडिकेट करते हैं तो मैंने रिएक्शन में ले लिया सबसे पहले अपना रिएक्टिव द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हो रही है तो हमने प्लस में क्या लिख दिया ई यानी कि हमारा एंजाइम ओके अब क्या होगा हमको पता है कैसे इनके बीच में रिएक्शन होगी जैसे पहले के लेक्चर पे हमने पढ़ा है कि एंजाइम के सरफेस में होंगी एक्टिव साइट इस एक्टिव साइट की ज्योमेट्री से अगर आपका सबसे मैच कर दिया तो इन दोनों के बीच में क्या होगा अप्रोच होगा यानी कि आपका सबस्ट्रेट क्या है एंजाइम की एक्टिव साइड से बाइंड हो जाएगा यानी कि जुड़ जाएगा और जैसे ही जुड़ेगा तो इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और हमको मिलेगा इंटरमीडिएट जिसे हम बोलते हैं ई एस यानी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा तो यहां भी आपको यही दिखाया कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपके पास रिएक्शन कंडीशन में थे ये दोनों आपस में जुड़े और इनने हमारा बनाया इंटरमीडिएट ओके अब हमको पता है इस इंटरमीडिएट में एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्ड तो बन गया लेकिन ये बॉन्ड एक टाइप का कैसा बॉन्ड है

इतना तो करेंगे और देखो और क्या चीजें होती है इंटरमीडिएट कैसे मतलब एंजाइम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है ये सारी चीजें तो मैं आपको ऑलरेडी पहले के लेक्चर पर बता चुकी हूँ तो उसपे यहाँ पे अभी पर्टिकुलर इस केस में डिस्कशन की जरूरत नहीं है ठीक है तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन दिखाई अब इस इक्वेशन को आप इंडिकेट कैसे करेंगे एरो कैसे लगाएंगे तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है हमने यहाँ पे एरो में ये दिखाया हुआ है कि जो पहला स्टेप है ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का है यानी कि आपका एंजाइम एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं और एंजाइम सब्सिट कॉम्प्लेक्स पीछे भी जा सकते हैं दोबारा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके एंजाइम और सब्सिट में टूट सकते हैं तो ये भी पॉसिबल है बता दिया मैंने अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट की बात करेंगे तो देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कॉन्स्टेंट हमारा क्या लगा है के आसान सी बात है और बैकवर्ड के लिए इसने क्या लगा दिया यहाँ पे के टू ओके अब देखो यहाँ पे अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है तो इंटरमीडिएट से फॉरवर्ड में जा रही है तो प्रोडक्ट बनेगा और इस स्टेप का कांस्टेंट आपका क्या होगा k3 तो देखो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी रिएक्शन आप खुद से बना सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं इस रिएक्शन के लिए हमने क्या बनानी है डेरिवेशन कि कैसे आपका एंजाइम इस रिएक्शन के आ, को कैटालाइज कर रहा है ये चीज हमने समझनी है ठीक है तो डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए आपने फर्स्ट देखो मैं समझा रही हूं 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है ठीक है पहले के तीन पॉइंट क्या है तो आप बताएंगे कि आपने जो रिएक्शन कराई है इसमें टोटल एंजाइम का कितना कंसंट्रेशन है? टोटल कराना है से, ओके? अब टोटल मतलब कि जब भी इस रिएक्शन को कराने के लिए इनिशियली आपने एंजाइम का कंसेंट्रेशन कितना लिया अब देखो जो टोटल एंजाइम होता है ना वो किसके इक्वल होता है यहाँ पर बताया है ई प्लस ई के इक्वल होता है ये ई मतलब क्या है ई मतलब होता है देखो फ्री एंजाइम ई एस मतलब होता है वो एंजाइम जो आपके सब्सिट के साथ जुड़ गया अब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं देखिए इनिशियली सपोज करो हमने जो एंजाइम लिया इसका हमने कितना लिया है 50 लिया सपोज हमने 50 कितने लिए लिए एंजाइम ओके अब देखो एंजाइम आपने इनिशियली तो फिफ्टी लिए ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि फिफ्टी के फिफ्टी एंजाइम आपके सब्सिट के साथ जुड़ जाए और इंटरमीडिएट बना लाए ऐसा होगा कि इसमें से सपोज आपके कितने हैं ट्वेंटी एंजाइम जाके आपके सब्सिट के साथ जुड़े और ये सबस्ट के साथ जुड़ के इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गए तो हमारे जो एंजाइम है से 20 एंजाइम 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 तो 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 इंटरमीडिएट में में चले गए, Remaining जो 30 हैं वो आपके फ्री रहे तो हमको क्या है है, पहले ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन टोटल टोटल कितना है. तो को आप हमेशा किससे इंडिकेट करेंगे ये इक्वेशन हम नीचे यूज़ करने इसलिए फ्री एंजाइम जो हमारा रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है वो फ्री एंजाइम जिसे ई e से इंडिकेट करेंगे प्लस वो एंजाइम जो सब्सट्रेट के साथ जुड़ गया जिसे हम ई e, एस से इंडिकेट करेंगे तो एक इक्वेशन पहले हमको ये ऑप्टेन होती है इसे आपने ध्यान में रखना है ओके अब दूसरी इक्वेशन तीन चीजें याद रखनी है बोला अब दूसरी चीज क्या याद रखनी है तो देखो दूसरी चीज याद रखनी है कि अब हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पे यानी कि रिएक्शन के रेट को निकालेंगे और प्रोडक्ट के टर्म में निकालेंगे तो बताइए रेट क्या होगा तो हमको पता है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम तो हमने क्या लिखा डीपी डिवाइडेड बाई डी लिख दिया ओके okay. और ये किसके इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ इस प्रोडक्ट के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बना ईएस तो हमने क्या लिखा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट केथरी एड कर दिया और आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो इसके लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन के लिए तो इंटरमीडिएट है बट इसके लिए ये ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हुआ बिकॉज इससे ऑप्टेन हो रहा है तो हमने लिखा केथरी कॉन्स्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट यानी कि ई एस तो ये हमारी एक दूसरी इक्वेशन बनी है जिसका यूज भी हम नीचे करने वाले हैं इतनी चीज क्लियर है तो आपने दूसरे स्टेप में रेट निकालना है ओके okay? अब तीसरे स्टेप में आपका कॉन्सेप्ट आएगा एस एस ए का एस एस ए क्या

आपके पास एक टैप है ठीक है इससे पानी आने वाला है ठीक है और पानी को भरने के लिए हमने नीचे से क्या लगा दी एक बकेट तो सपोज करो हमने नीचे से एक लगा दी है बकेट ठीक है अब इस चीज कंसीडर हम लोग यहाँ पे करते हैं कि सपोज इस बकेट में क्या है ऑलरेडी पानी भरा हुआ है इसको भी दे देते कि तो क्या? नल से पानी आएगा और बकेट और भरने लगेगी इसके कंसेंट्रेशन में क्या आएगा चेंज आएगा ये फाइव लीटर से सिक्स लीटर सेवन लीटर किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है ओके लेकिन अगर मैं इस चीज को हटाऊं और आपसे बोलू की बकेट में पांच लीटर का पानी तो था लेकिन बकेट में अब क्या होने वाला है एक होल होने वाला है ठीक है और होल होने की वजह से क्या है आप ऊपर से जो पानी डाल रहा ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है, ये टंकी से ऊपर से नल से क्या आ रहा है पानी आ रहा है और अगर आप ऊपर से पानी डाल रहे हो और नीचे से बकेट में आपने होल कर दिया तो आपको पता है इस होल से भी पानी क्या होगा बाहर आएगा तो ये चीज ऑब्जर्व की जाती है कि जितना पानी आप ऊपर से डाल रहे हैं यहां से जितना पानी आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है उतना ही पाना पा, पानी आपका क्या है बाहर लीक हो रहा है तो अगर अब आपसे बोलू कि देखो ये आपका ऊपर से टैप है ऐसे से आपको ये बोलता है ऊपर से आपने टैप लगाया नीचे आपने एक बीकर बकेट लगाई जिसमें होल था जिससे क्या है पानी आपका बाहर लीक हो रहा है तो ये चीज ऑब्जर्व होती है जितना पानी आप इसमें डाल रहे हैं बकेट में उतना ही पानी आपका बाहर क्या हो रहा है लीक हो जा रहा है तो बकेट के कंसेंट्रेशन में बकेट में जितना पानी है उसके कंसनट्रेशन में क्या कोई चेंज आएगा हमको पता नहीं आएगा ये इनिशियली पांच लीटर था तो ये बाद में भी पांच लीटर ही रहेगा बिकॉज यहाँ से जो पानी आ रहा है इसका जितना भी अमाउंट है सपोज एक लीटर पानी आपने ऊपर से डाला तो एक लीटर पानी आपका लीक भी तो हो गया तो एक लीटर तो अब एड नहीं जितना इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन था उतना ही रहेगा तो यही चीज आपका बोलती है और इसे रिलेट करती है आपकी रिएक्शन से ये बोलती है ये जो टैप से पानी आ रहा है ये आपका रिएक्टेंट जैसा है और आपका ये बीच में क्या है इंटरमीडिएट है और ये है आपका प्रोडक्ट

Of ES, with time, इसको हमने किससे किया है 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 से कि ये आपका क्या होता है? जीरो होता है, इसके में कोई भी चेंज नहीं आता है, ओके? अब इसी के ये जो तीन आपको बताए इसी के थ्रू अब हमारे आगे बढ़ाने वाले है. कैसे तो देखो हम स्टार्ट करेंगे SSA, SSA से हम बोलेंगे SSA के

ठीक है तो अब हम यहां पर कोई डिकंपोजिशन भी देख रहे हैं फॉर्मेशन तो ये हो गया

अब हुआ क्या आपने देखा कि आपका जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ तो ये कितना बन जाएगा 50 के साथ ये कन्वर्ट हो गया होगा 70 में अब ये इंटरमीडिएट डिकम्पोज हुआ अपने प्रोडक्ट में

अब इस सेकेंड इक्वेशन से हमने क्या करना है अपनी सारी वैल्यूज रखनी है बाद में जाके हम इनका यूज करेंगे ठीक है अब इस सेकेंड इक्वेशन को देखो इस सेकेंड इक्वेशन में अब आप क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन की वैल्यू रखेंगे बिकॉज हमने इस रिएक्शन के कानीटिक्स को निकालना है इस रिएक्शन के रेट को निकालना है तो जैसे हम ऐसे में करते थे वही चीज आपने यहाँ अप्लाई करी क्योंकि हम ऐसे से अप्लाई कर रहे हैं तो देखो होगा क्या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं आपकी मर्जी हमने बोला ये जो यूनिट है ये जीरो के इक्वल है और जीरो किसके इक्वल है इसके इक्वल है तो आप चाहे तो यहाँ से इस यूनिट को हटा सकते हैं बिकॉज हमको पता है 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 चेंज इन ऑफ इंटरमीडिएट विद टाइम किसके इक्वल इक्वल जीरो के तो आप चाहे हटा भी सकते हैं डायरेक्ट जीरो भी लिख सकते हैं ठीक है बट इनकी वैल्यू अब आपको पुट करना होगा फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन की ठीक है अब फॉर्मेशन की अगर मैं वैल्यू पुट करू तो क्या आएगी तो देखो अगर मैं इस रिएक्शन में जाऊं तो यहाँ पे मैंने कहा बोला फॉर्मेशन कहा हो रहा है सिर्फ इस स्टेप में हो रहा है ठीक है और किसका फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं इंटर

प्लस सॉरी इनटू ऑफ तो रिएक्शन कंडीशन में हमारे पास दो यूनिट है एंजाइम एंड तो इन दोनों का कंसेंट्रेशन और आपका कॉन्सटेंट जुड़ जाएगा केवल ओके okay? अब देखो फॉर्मेशन हो रहा है फॉर्मेशन मतलब कुछ चीज बन रही है मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो so, यहाँ पे हमने कौन सा चार्ज लगाया हुआ है पॉजिटिव चार्ज ओके उसके बाद माइनस डिकम्पोजिशन माइनस का साइन लगाया अब डिकम्पोजिशन की वैल्यू आपने डालनी है अब देखो रिएक्शन में डिकम्पोजिशन कहा हो रहा है अब आपको पता है यहां किस किस का हो रहा है तो देखो कैसे हो रहा है हमने रहा है. हमने एंजाइम एंजाइम और सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट का का लेना है है कॉम्प्लेक्स की बात करनी है. तो देखो इसका डिकम्पोजिशन ये कैसे टूट रहा है तो हमको पता है दो तरीके से टूट रहा है पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो टूट के किस में कन्वर्ट हो जाए एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो एंजाइम यानी है ये टूट के किस में कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन दो बार हो रहा है आइदर डिकम्पोजिशन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है आइदर डिकम्पोजिशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है ठीक है अब इसकी वैल्यू लिखनी है डिकम्पोजिशन की वैल्यू लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे डिकम्पोजिशन में क्या आएगा साइन नेगेटिव का आएगा और वैल्यू क्या आएगी पहले आएगा, आएगा आपका के टू बिकॉज हम इसकी बात करें ये हो गया के टू और इन टू ऑफ किसका आ जाएगा इंटरमीडिएट यानी कि ई तो देखो इसमें कंफ्यूज मत होना जहां से एरो जाता है ना हम उसकी वैल्यू लिखते हैं जैसे रेट फॉर्मेशन हमारा कहां से कहां हो रहा था रेट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा था यहां से यहाँ तो एरो किसकी ओर जा रहा था आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट से किसकी ओर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की ओर तो हमने क्या लिखा के वन कॉन्स्टेंट लिखा और एरो जिससे जा रहा था यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट से जा रहा था तो हमने इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट डाल दिया अब अगर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की बात करें तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में हमारा कॉन्स्टेंट क्या आएगा के टू आएगा और एरो किससे जा रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट से जा रहा है तो के टू इंटू क्या हो जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन ओके दूसरी चीज क्या आ जाएगा अगेन देखो पहले इसको लिख लेते हैं तो हमने क्या लिखा माइनस के टू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ठीक है उसके बाद अगेन नेगेटिव चार्ज आएगा क्यों क्योंकि हम डिकम्पोजिशन की बात करें डिकम्पोजिशन मतलब टूटना टूटना मतलब कुछ चीज घट रही होगी तो चार्ज चार्ज किसका आएगा नेगेटिव का तो हमने यहां लिखा नेगेटिव अब उसके बाद डिकम्पोजिशन की वैल्यू रखोगे तो क्या निकलेगा वैल्यू में कांस्टेंट आएगा पहले के थ्री उसके बाद कहाँ से एरो जा रहा है हमारे एंजाइम सबस्ट्रेट से जा रहा है और ये टूट रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ किसका आ जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट तो हमने लिख दिया ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट समझ में है तो यहाँ कंफ्यूजन हो तो ये चीज याद रखेगा जहां से एरो जाता है उसकी वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ से एरो जा रहा था तो इसलिए हमने इन दोनों की वैल्यू लिखी और डिकम्पोजिशन में एंजाइम सबस्ट्रेट से एरो जा रहा है दोनों जगह यहां भी यहां भी तो हमने एंजाइम सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन लिखा क्लियर हुआ अब ये इक्वेशन बन गई अब आपने क्या करना है कुछ नहीं करना है अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते रहिए हमने क्या लिख दिया जीरो एज इट इज लिख दिया कंसेंट्रेशन ऑफ के वन कंसंट्रेशन ऑफ ई यानी कि एंजाइम एनिक्रेशन ऑफ सबसे माइनस अब हमने क्या किया देखो यहां भी ई एस है यहां भी ई एस है तो ई एस को कॉमन ले लिया तो कंसेंट्रेशन ऑफ क्या आ गया हमारा कॉन्स्टेंट आ गया सॉरी यहां पर कॉन्स्टेंट के टू और प्लस में आएगा कॉन्स्टेंट के थ्री प्लस में क्यों आया बिकॉज देखो जब आप इसे खोलोगे ना इस इक्वेशन को आप खोलोगे तो आप क्या करोगे माइनस तो आएगा देखो माइनस के टू तो ठीक है उसके बाद जब के थ्री की बात करेंगे तो माइनस प्लस क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए तो माइनस आएगा इस वजह से हमने अंदर चार्ज कर क्या रखा है पॉजिटिव रखा हुआ है तो हमने क्या कर दिया प्लस के थ्री और कॉमन क्या ले लिया आपका एंजाइम सबस्टेट का कंसन कॉम्प्लेक्स का ठीक है अब इसके बाद हमने क्या किया ये इक्वेशन बनी अब देखो अब हम लोग हमारी इस इक्वेशन का यूज करेंगे जैसे हमने लिखा था कि टोटल एंजाइम क्या होता है E0 तो हमको पता है यहां से ई नॉट की वैल्यू हमारे पास है और अगर हमको यहाँ से ई e की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे इज e इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा नॉट माइनस यानी कि e क्या था हमारा फ्री फ्री एंजाइम एंजाइम अगर मैं रिएक्शन में कितना फ्री है तो आप बोलोगे कितना आपके पास टोटल एंजाइम है और कितना आपके सब्सट्रेट के साथ जुड़ गया और जितना बचेगा वो आपका क्या होगा फ्री एंजाइम होगा जैसे मैंने ऊपर बताया था तो यहाँ से हमने ई की वैल्यू निकाल दी तो ई टू क्या होगा ई नॉट यानी कि जितना एंजाइम था और जितना आपका रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया तो बचा हुआ क्या हो जाएगा फ्री एंजाइम तो यहाँ पे हमने क्या करना है ये जो E की वैल्यू देखो ये तो आपका इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन तो आपको पता है कॉन्स्टेंट होता है देखो अगर इस इक्वेशन को मैं पहले आपको समझाई दूं तो देखो ये इक्वेशन हमारी डिराइव हो गई ये तो पता ही है ठीक है अब इस इक्वेशन में कुछ फिल करने के लिए आपको पता है के वन के तो आपका कॉन्स्टेंट है इसे छोड़ दो ठीक है ये आपका क्या होता है कंसेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट और हमको पता है कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट ये वाली वैल्यू आपकी क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी ठीक है अब यहाँ पे आपका ऐसा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट जो आपको नहीं पता है और ई e है आपका कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और वो भी कौन सा फ्री एंजाइम तो हमको फ्री एंजाइम का कंसंट्रेशन पता है हमको पता है ई नॉट यानी कि टोटल एंजाइम किसके इक्वल होता है फ्री एंजाइम प्लस आपका वो एंजाइम जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है तो जो रिएक्शन में इन्वॉल्व एंजाइम है उसको अगर आप माइनस कर देंगे टोटल एंजाइम से तो आपको आपका फ्री एंजाइम मिल जाएगा तो फ्री एंजाइम यानी कि ई इज टू क्या हो जाएगा ई नॉट माइनस तो आपने क्या करा इस ई e की वैल्यू को कहा पुट कर दिया इस पोजिशन में फिट कर दिया तो अगर आप जैसे फिट करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी के वन इनटू में क्या होगा ई e के बदले ई नॉट माइनस माइनस आपका बाकी की सारी चीजें आपकी एज इट इज आ गई ठीक है अब देखो अब आगे क्या होगा आगे भी बहुत आसान है अब इस इक्वेशन को जैसा आप सोल्व कर दो कैसे सोल्व करेंगे तो देखो आपको पता है ना अगर मैं इसे दो पार्ट में तोड़ू सिंपली समझाने के लिए तो हमको पता है एक ये यूनिट है एक ये यूनिट है बीच में क्या लगा हुआ है नेगेटिव चार्ज अब देखो मैं इस यूनिट को और खोल सकती हूँ कैसे खोल सकती हूँ मुझे पता है केवन जो कॉन्स्टेंट है इसके होल में दो यूनिट हमको दी हुई है एक है आपका ई नॉट यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम माइनस में क्या है कंसंट्रेशन ऑफ वो एंजाइम जो सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे भी? केवन को पहले अगर इस पूरी इक्वेशन को हमने खोलना है तो हम क्या कर सकते हैं केवन को इंटू कराएंगे ई नॉट से और उसके बाद इंटू कराएंगे बाहर भी तो इसके साथ क्या लगा है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट तो मेरा क्या आएगा केवन इंटू ई नॉट ठीक है उसके बाद क्या आएगा कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट उसके बाद आएगा बीच में माइनस का चार्ज उसके बाद आएगा के वन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वो सबस्ट्रेट जो वो एंजाइम जो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा हुआ है यानी कि ई एस उसके बाद आएगा कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट तो मैंने इसी को इस इक्वेशन को खोल के यहां लिख दिया के वन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ई नॉट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट माइनस का साइन लगा के लिखा के वन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ई एस इसको देखोगे, तो आपको यहां पर को कुछ कॉमन लेने वाली चीज दिख रही है बिल्कुल दिख रही है आप देखोगे इतने वाले पोर्शन में आपको ये ई एस जो है वो कॉन्स्टेंट दिख रहा है कॉमन दिख रहा है ओके okay? अब इस कॉमन को आप बाहर ले सकते हैं तो हमने कुछ नहीं किया इन दोनों को ई एस को हमने बाहर कॉमन ले लिया और ये जो कॉन्स्टेंट वगैरह थे इन्हें सेंटर पे डाल दिया तो ये वाला पोर्शन तो आपका एज इट इज आया लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला केवन आपका ठीक है ई एस को अपने हटा के बाहर कॉन्स्टेंट में डाला कंसेंट्रेशन ऑफ एस आपने यहाँ पे लगा दिया ठीक है और ब्रैकेट के अंदर अब आपने कौन देखो होल में ब्रैकेट लगाया क्योंकि हम कॉन्स्टेंट ले रहे हैं होल में ब्रैकेट लगाए और अंदर इस नेगेटिव चार्ज को प्लस में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि जैसे ही जब आप इसे खोलोगे तो आपका जब देखो अगर नेगेटिव ही लेती तो ये जब खुलता तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता और प्लस यहाँ एक्चुअल में है नहीं तो हमने यहाँ ऑलरेडी पहले से प्लस में लिख दिया ताकि जब ये खुलेगा नेगेटिव प्लस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में समझ में आया तो ये तो चार्जेस तो सबको ही पता होते हैं ठीक है अब क्या होगा देखो उसके बाद हमने क्या लिखा कॉन्स्टेंट के टू प्लस के थ्री को लिख दिया और ई एस यू यहां से लिया था यहाँ से लिया था इसे कॉमन करके बाहर डाल दिया ठीक है अब अब इतना हुआ अब इसके बाद तो बहुत सारे सिंपल सी चीजें आ जाती है अब हम लोग क्या करेंगे देखो हमको ये जो पूरी हम वैल्यू ले रहे हैं वो किसके इक्वल है जीरो के इक्वल है हमने देखा था रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस डिकम्पोजिशन किसके इक्वल है जीरो के इक्वल है तो मैंने इन दोनों के आगे क्या लगा दिया जीरो ओके अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम क्या करेंगे ना ये जो पूरी यूनिट है नेगेटिव के बाद की ये जो पूरी यूनिट है इसको उठा के कहा लगा देंगे आगे साइड डाल देंगे अगर ये पूरी यूनिट इस साइड चले गई तो बताओ क्या आएगा अगर मैं लिखूं तो देखो मैं नीचे लिख के दिखाती हूँ हमको क्या ऑप्टेन होगा देखिए हमको क्या होगा हमको ये चीज होगी कि ये वाला तो आपका एज इट इज रहेगा देखो ये वाली यूनिट तो एज इट इज रहेगी लेकिन ये जो नेगेटिव के चार्ज वाली ये पीछे की यूनिट थी इसे जीरो के दूसरे साइड जाऊंगी तो ये नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में और हमको क्या ऑप्टेन हो जाएगा के वन इन टू कंसनट्रेशन ऑफ एस प्लस क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट के टू प्लस के थ्री और साथ ही साथ हमको क्या ऑप्टेन हो जाएगा ई एस यानी कि होल में क्या था ई एस था ये हमको ऑप्टेन हो जाएगा और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा के वन ऑफ ई नॉट इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एस ओके अब इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम बोलेंगे ई एस को आप यहीं पर छोड़ जाओ और यूनिट है इसे आप दूसरे साइड डाल दो बताएस के साथ में तो डबल इक्वल uh, साइन के दूसरे साइड जाएगी तो किसमें तो हमने क्या किया ये पूरी यूनिट को कहा डाल दिया इसके डिविजन में डाल दिया तो हमको क्या ऑप्लेन हुआ कंसेंट्रेशन ऑफ ई एस यानी कि इंटरमीडिएट इज इक्वल टू क्या हुआ के वन इंटू नॉट इंटू एस तो आपका ठीक है डिवाइडेड बाई क्या हुआ यहाँ पे आया के

अब कंसेंट्रेशन ऑफ ईस की वैल्यू को हम कहीं पर रख सकते हैं बिल्कुल रख सकते हैं कहाँ पे देखो मैंने आपसे क्या बोला तीन इक्वेशन यूज करनी थी आपने एक ये एक ये एक ये इसका यूज करके हमने ES की वैल्यू निकाल दी टोटल एंजाइम को भी हमने नीचे यूज कर लिया था कहाँ पे किया था यहाँ पे किया था अब बचिए एक इक्वेशन रेट वाली रेट में हमने क्या किया हमको पता है रेट की जो हमारी वैल्यू है आई थी वो किसके इक्वल थी डीपी डिवाइडेड बाय डीटी और ये डीपी डिवाइडेड बाय डीटी किसके इक्वल था के तो जो आपने ई एस की वैल्यू निकाली है इसे आप इसके ऊपर रखेंगे हमको बताया रेट इज इक्वल टू चाहे आप डीपी डिवाइडेड बाय डीटी लिखो चाहे आप केफ ई एस लिखो बात सेम है. तो अब हम नीचे क्या लिखेंगे रेट इज इक्वल टू ऑफ और ई एस की प्लेस में जो वैल्यू आई है उससे पुट कर देंगे तो देखो हमने क्या लिखा हमको जैसे इक्वेशन फर्स्ट से पता है कि रेट इज इक्वल टू के थ्री इंटू ऑफ ई एस अब ई एस के बजाय क्या लिखेंगे यहाँ पर ये पूरी वैल्यू को फिट कर देंगे तो देखो वैल्यू फिट करी तो हमको क्या मिला एक मिनट रुखिएगा ठीक है तो देखो हमको क्या मिला हमने K3 को पहले एज इट इज लिखा ये आपका K3 थ्री यहाँ पे आ गया और ES के बजाय क्या आया पहले K1 वन आया इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ E नॉट कंसेंट्रेशन ऑफ S डिवाइडेड बाई के टू प्लस के थ्री प्लस में क्या हुआ सॉरी के वन इंटू कंसन ऑफ सबस्ट्रेट तो हमको ये इक्वेशन मिली तो हमने को यहां से अब रेट की इक्वेशन मिलने लगी हमने रेट की वैल्यू निकाली ठीक है अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने एक काम किया हमने बोला कि हम एक काम करते हैं दोनों साइड यानी कि ऊपर और नीचे दोनों साइड किससे डिवीजन करा देते हैं के वन से डिवीजन करा देते हैं ताकि ये रिएक्शन हमारी आसानी से सॉल्व हो जाए अगर मैं ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों को के वन से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा तो देखो के थ्री इंटू के वन देखो ये था के थ्री इंटू केवन डिवाइडेड बाई केवन अगर मैं कर दू तो केवन से केवन कटेगा बचेगा क्या के थ्री बचेगा और ये केवन मेरा उड़ जाएगा इससे मैं उड़ा भी देती हूँ सिर्फ ये बचा ठीक है अब नीचे साइड अगर आप चलो तो नीचे साइड अगर आप पूरे होल में केवन से डिवाइड करोगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे भी केवन से डिविजन होगा इस एरिया में भी केवन से डिविजन होगा ठीक है ये दोनों बीच में प्लस का चार्ज है ना तो ये आपका केवन से डिवाइड होगा ये भी आपका केवन से डिवाइड होगा केवन से ये केवन से ये तो हम दोनों क्या कर सकते हैं इस केवन को कैंसिल आउट कर सकते हैं सिर्फ यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ सब्स बचेगा और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है के टू प्लस के थ्री प्लस डिवाइडेड बाई के वन तो ये जो स्पीज होती है ना ये जो यूनिट होती है के टू प्लस के थ्री डिवाइडेड बाई के वन ये किसके इक्वल होती है इसे हम बोलते हैं ये इक्वल होती है के एम और के एम मतलब आपका क्या होता है माइकलस कॉन्स्टेंट होता है ये ठीक है तो के आपका क्या है इस रिएक्शन का इस इक्वेशन का कांस्टेंट है 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 क्योंकि कि किसके इक्वल इक्वल होता है? K2 K3 K1 के इक्वल होता प्लस डिवाइडेड के तो हमने क्या किया इस वैल्यू को के यहाँ पर को क्या रख दिया के एम तो अगर मैं लिख तू तो देखो इसको उठाया और यहीं पे मैंने लिख दिया ये क्या बन गया के एम तो हमको रेट की इक्वेशन क्या मिली यही आपकी फाइनल रेट की इक्वेशन है कुछ नहीं किया आपने जो वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं तो देखो रेट की इक्वेशन क्या हुई देखो ये पूरा सॉल्व करके मैंने दिखाया अगर आप फाइनल रेट की इक्वेशन देखेंगे तो रेट की इक्वेशन आपको क्या मिली के थ्री मिली देखिए के थ्री इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ई नॉट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस डिवाइडेड बाई के वन

आपको दिया था उसी का यूजर उसी के थ्रू यहां पर आपका ग्राफ बना है अब ये क्या कह रहा है ग्राफ सुनिएगा देखो ये पहले कंसीडर कर रहा है सपोज करो आपने जो रिएक्शन ऊपर हमने कराई है उसमें अगर हम कंसीडर करते हैं जो हमारा रिएक्टेड मॉलिक्यूल है अगर मैं बोलू इस रिएक्टेड मॉलिक्यूल का concentration बहुत ज्यादा है हमने बहुत ज्यादा रिएक्टेड मॉलिक्यूल लिए हुए हैं तो क्या होगा अगर देखो हमारा रिएक्टेड मॉलिक्यूल यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ एस हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा तो कंसेंट्रेट ये जो हमारा constant, जो constant हमारा बना हुआ है इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा बहुत कम होगा कंपेयर टू कंसेंट्रेशन ऑफ ऑफ सबस्टेट अगर एक का कांसेंट्रेशन ज्यादा है

So, ट okay? जाएगा तो रेट हमारे किसके इक्वल हो जाएगा नॉट ओके okay? अब हमको बताया मतलब मतलब हमारे पास टोटल एनजे और हमको पता है टोटल एंजाइम का जो कंसेंट्रेशन है वो तो चेंज नहीं हो रहा जितना आपका टोटल एंजाइम है वो हमको एज इट इज मिल जाएगा बिकॉज हम लोग क्या बोलते हैं जब भी आप रिएक्शन कराते हैं आपकी रिएक्शन में एंजाइम का सिर्फ एक काम होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन को एसनरेट करता है लेकिन एंजाइम के कंसेंट्रेशन में इसके अमाउंट में पूरी रिएक्शन पर कोई भी चेंज नहीं होता जितना अमाउंट का आप कंसन एंजाइम का कंसेंट्रेशन इनिशियल लेते हैं उतना ही आपको एंजाइम का कंसंट्रेशन बाद में भी मिल जाता है तो अगर हम बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ ई नॉट यानी कि टोटल एंजाइम क्या इसमें कोई चेंज आएगा हमको पता है इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है इसका जो अमाउंट है वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है तो हमको पता है ई नॉट इज इकट टू होता है कॉन्स्टेंट तो हम बोल सकते हैं रेट आपका जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्स्टेंट के अगर ये के थ्री कोटाओ तो हमको पता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्स्टेंट के तो अगर हमारा रेट ऑफ अगर हम लोग बोला है रिएक्शन में हमने जो सबस्ट्रेट लिया है वो बहुत ज्यादा है

एस एज इट इज था अब हमारा एस इट इज और केएम आपका एज इट इज रहेगा तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी रेट की इक्वेशन हो जाएगी आपकी यहाँ पे आपका केएम ठीक है तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी के3 एज इट इज है कंसंट्रेशन ऑफ ई एस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एस डिवाइडेड में क्या हो जाएगा केएम ओके अब अगर आप रेट को देखेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि रेट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये तो सारे सारे पावर तो तो में क्योंकि है? है, एक की बात हम लोग कर रहे हैं तो पावर में क्या है वन है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं तो इस इक्वेशन को देख के आप बोल सकते हैं कि रेट आपकी यहाँ पर कैसे यहाँ पे आप कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि

और जैसे जैसे कंसेंट्रेशन को आप थोड़ा बढ़ा रहे थे तो हमने बोला जब कंसनट्रेशन ऑफ सबसे कम है तो वहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है रेट किस पे डिपेंड कर रही है कंसनट्रेशन ऑफ सब्सिट पे और कैसे डिपेंड कर रही है डायरेक्टली यानी कि जितना कंसंट्रेशन ऑफ सब्सिडेट बढ़ेगा उतना रेट बढ़ेगा तो हमने वही चीज दिखाई है फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पे ग्राफ बनाया कि बोरा जैसे आपने सब्सरेट का कंसेंट्रेशन बढ़ाया देखो सब्सिटेट का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया यहाँ के कंपेयर में तो का काट्रेशन जैसे बढ़ रहा है वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी क्या हो रही है बढ़ रही है ओके लेकिन एक लिमिट के बाद और ये लिमिट आपकी क्या होती है मैंने आपको पहले बताया फैक्टर अफेक्टिंग वाले लेक्चर पे यहाँ पे क्या होगा एक लिमिट के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा कि अगर सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन हाई हो गया इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या हो गया हाई हो गया तो जैसे ही कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट हाई हो जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा रेट आपका कांस्टेंट हो जाएगा यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो करेगा यानी कि रेट आपके किसी पे डिपेंड नहीं करेगी रेट आपकी कांस्टेंट हो जाएगी तो देखो यहाँ पे उस पॉइंट के बाद क्या हुआ रेट आपकी कॉन्स्टेंट होने लगी डिपेंड नहीं कर करिए चाहे आप कितना भी सब्सट्रेट का कंसेंट्रेशन बढ़ा लो देखो इसने यहाँ पे इतनी चीज बोली है कि जैसे इनिशियली आपका सब्सट्रेट का कंसेंट्रेशन कम था तो सब्सट्रेट का कंसेंट्रेशन कम होने की वजह से यहाँ पर आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही थी क्योंकि ये इंडिकेट कर रही थी कि जैसे जैसे आप

मैं अटक जा रही हूँ ठीक है तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा आपको समझ में आया होगा कैसे हमारी इक्वेशन प्रोसीड हुई कैसे सब कुछ चल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग आप एक दो बार ट्राई कीजिएगा डेफिनेटली आपको सारी चीजें क्लियर आ जाएंगी बिकॉज बहुत आसान से अब आपको रेट भी समझ में आ गया होगा इसके लिए आप ग्राफ भी बना सकते हैं तो यही था हमारे आज के लेक्चर पे तभी इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करता है मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय बाय